डू यू नो इफ एन सिंगल ग्रुप गिवन टू यू हाउ कैन यू मेक अदर ग्रुप फ्रॉम दिस ग्रुप और सपोज टू और थ्री ग्रुप्स आर गिवन टू यू सो हाउ यू विल प्रोड्यूस अदर ग्रुप्स फ्रॉम दिस गिवन टू एंड थ्री ग्रुप्स टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ टॉपिक डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स इन विच वी विल बिकम एबल टू प्रोड्यूस मैनी मोर ग्रुप्स इफ टू और थ्री ग्रुप्स और इवन अ सिंगल ग्रुप इज गिवन टू यू सो बने रहिए इस लेक्चर में आज इस टॉपिक को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हेलो एवरीवन स्वागत है आपका आज इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप के बारे में ये ऐसा टॉपिक है इफ एंड सिंगल ग्रुप इज गिवन टू यू उस ग्रुप से आप लोग बहुत सारे ग्रुप प्रोड्यूस कर सकते हैं तो बेसिक क्या है इसका देखिए सपोज आपको दो ग्रुप आपको गिवन है जी और एच लेट जी एंड एच बी टू गिवन सब ग्रुप राइट ग्रुप्स सो इफ दीज आर टू गिवन ग्रुप्स टू यू तो हम लोग क्या करेंगे इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करेंगे पहले जी बाई एच तो इसमें जो टप्पल्स आएंगे टू टप्पल हमारे पास वो सब वो इस टाइप के हैं जी वन कॉमा एच वन सच दैट जी वन बिलोंग्स टू कैपिटल जी एच वन बिलोंग्स टू कैपिटल एच और फिर इसमें जो है बाइनरी हम लोग डिफाइन करेंगे रेस्पेक्टिव बाइनरी जो जी और एच में है तो अंडर दैट बाइनरी ये ग्रुप बन जाते हैं और इस ग्रुप को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ जी एंड एच अब ये तो सिंपल है आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है लेकिन जहां बात आते हैं बाइनरी कैसे होगी वहां कन्फ्यूजन स्टार्ट हो जाते हैं तो यहां पे एक छोटी सी टेबल में आपको बना के दिखाऊंगा और फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि बाइनरी हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप में कैसे डिफाइन करते हैं तो सपोज यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ जी यहाँ पे हमारे पास है एच और यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं जी बाई एच को तो सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि जी में जो हमारे पास बाइनरी है वो मल्टीप्लिकेशन है मीन्स जी वन इंटू जी टू ऐसा हम लोग लिख रहे हैं और एच में जो बाइनरी है वो भी मल्टीप्लिकेशन है एच वन इंटू एच टू तो जी बाई एच में भी जो बाइनरी होगी वो किस टाइप से डिफाइन करेंगे आप लोग जी बाई एच का एक एलिमेंट ले लीजिए जी वन एच वन मल्टीप्लाइड विथ जी टू एच टू तो ये बाइनरी हमारे पास इस तरीके से डिफाइन होगी क्योंकि जी और एच में दोनों में मल्टीप्लीकेशन बाइनरी है तो इनके करेस्पॉन्डिंग टप्पल आपस में क्या हो जाएंगे मल्टीप्लाई हो जाएंगे मीन्स यहाँ पे आएगा जी वन इंटू जी टू और यहाँ पे आ जाएगा एच वन इंटू एच टू तो इस तरीके से इसमें बाइनरी हमने डिफाइन कर देनी है बट सपोज हमारे पास जी में जो है मल्टीप्लीकेशन है एंड एच में जो एडिशन है एच वन प्लस एच टू मैं लिख रहा हूँ तो जी वाई एच में किस टाइप की बाइनरी होगी देखिए जी वन कॉमा एच वन ये था इंटू जी टू कॉमा एच टू तो ये इक्वल्स टू हो जाएगा जी में जी वन इंटू जी टू था मल्टीप्लीकेशन बाइनरी था तो जी वाई एच में जो पहला टप्पल होगा या टप्पल इस टप्पल का जो पहला कंपोनेंट होगा वो तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिकॉज जी हैज मल्टीप्लीकेशन एज बाइनरी बट जो सेकेंड कंपोनेंट होगा इस टप्पल का दे विल बी गेट एडेड एच वन प्लस एच टू बिकॉज एडिशन वॉज बाइनरी इन एच राइट सिंपली अब हम लोग ऐसा जो है समझ सकते हैं कि अगर हमारे पास जी में एडिशन है एंड एच में भी एडिशन है तो जो बाइनरी हम लोग डिफाइन करेंगे जी बाई एच डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ जी और एच उसमें क्या होगा जी वन कॉमा एच वन जी टू कॉमा एच टू ये इक्वल्स टू हो जाएगा जी वन प्लस जी टू कॉमा एच वन प्लस एच टू बिकॉज इन दोनों जी और एच में एडिशन वॉज अ बाइनरी दैट्स वाई इन दोनों टप्पल के जो करेस्पॉन्डिंग फर्स्ट और सेकेंड कंपोनेंट थे वो भी ऐड हो गए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप में हम लोग इस तरीके से बाइनरी डिफाइन करते हैं तो ये तो रहा जो हमारे पास केवल दो ग्रुप हो सकता है हमारे पास दो से ज़्यादा ग्रुप हैं सपोज हमारे पास जी वन जी टू सो ऑन जी एन एन ग्रुप का डायरेक्ट प्रोडक्ट हम ले रहे हैं तो इसमें हमारे पास आ जाएगा इस टाइप के एलिमेंट आएंगे एन टप्पल आ जाएगा एन और जो बाइनरीज होंगे हमारे पास वो किस टाइप के होंगे
पहले कंपोनेंट के में जो बाइनरी यूज होगी वो G1 की बाइनरी यूज होगी, दूसरे कंपोनेंट में जो बाइनरी यूज होगी वो G2 की, और जो nth कंपोनेंट है इस टप्पल का उसमें GN की बाइनरी यूज होगी। और ये जो GIs हैं ये सारे के सारे हमारे कैपिटल GIs में बिलोंग कर रहे हैं। तो होप्स आपको समझ आ गया होगा कि डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप को हम लोग कैसे फॉर्म करते हैं। अब इसके बाद आता है इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू जो है कैसे एक स्पेसिफिक ऑर्डर के ग्रुप जनरेट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि 8 ऑर्डर के ग्रुप हम लोग कैसे जनरेट करेंगे। अब ये स्पेसिफिक टॉपिक मैं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि ऑर्डर 8 के ग्रुप कैसे जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट के थ्रू जनरेट किए जा सकते हैं। तो ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 8 हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहली बात आपने एक इम्पोर्टेंट नोट करनी है कि पूरी एलजेब्रा में 8 ऑर्डर के जो ग्रुप हैं वो केवल 5 हैं, उसके ज़्यादा उसके अलावा एक भी ग्रुप नहीं है जिसका ऑर्डर 8 है। और इन 5 में से 3 एबिलियन हैं और 2 जो है नॉन एबिलियन है। तो मैं स्ट्रक्चर ऐसे बनाता हूँ, देखो लेफ्ट साइड तो मैं लिखता हूँ जो एबिलियन वाले हैं 3 ही हैं वो, और राइट में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे नॉन एबिलियन, ये 2 हैं। अब कौन कौन से ये आपने समझने हैं, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो एबिलियन में आपके पास देखो हमें बनाने हैं 8 ऑर्डर का ग्रुप। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या जाएगा, एक तो होगा Z2, डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z2, डायरेक्ट प्रोडक्ट विद Z2, 2 2 4 2 8। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 8 ऑर्डर का ग्रुप बन जाएगा। नाउ Z2 एबिलियन थे तो इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा ये भी एबिलियन होगा। लेकिन ये बात आपने नोट करनी है कि नॉन साइक्लिक है। क्यों? क्योंकि इसमें जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे के सारे ऑर्डर 2 के होते हैं। इसके बाद जो टॉपिक मैं आपको बताऊंगा उसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्यों इसमें जो एलिमेंट्स हमारे हैं वो 2 ऑर्डर के हैं। दूसरा हम लोग जो 8 ऑर्डर का ग्रुप जनरेट करेंगे वो होगा Z4 क्रॉस Z2, राइट। तो 4 2 8, इसमें भी 8 एलिमेंट्स हैं, ये भी हमारे पास क्या बनाते हैं, ऑर्डर 8 का ग्रुप बनाते हैं और ये भी नॉन साइक्लिक है। तो इसके जस्ट बाद में आपको टॉपिक जो पढ़ाऊंगा उसमें आपको आइडिया लग जाएगा कि क्यों ये दोनों के दोनों नॉन साइक्लिक हैं। एक और है हमारे पास, आप लोग जानते हैं कौन सा, Z8 खुद। तो Z8 जो हमारा ग्रुप है ये भी ऑर्डर 8 का है, और Z8 हमारा क्या है, ये नॉन साइक्लिक नहीं है, ये साइक्लिक है। सो Z8 हमारा क्या आ जाएगा, ये साइक्लिक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 8, राइट। अब बात करेंगे हम लोग जो हमारे नॉन एबिलियन थे 2, तो इसमें से पहला जो हमारे पास आता है वो है जो मैंने आपको बताया था, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज D4, ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज 8 ऑर्डर का होना चाहिए तो वो होगा हमारे पास D4। और फिर मैंने आपको जो है आप देखेंगे डीहेड्रल ग्रुप का जो मेरा पहला लेक्चर है उसमें मैंने समझाया था कि D4 में किस तरीके की सिमेट्रीज आती हैं। 4 तो हमारे पास रोटेशनल वाली हो जाएंगी और 4 हमारे पास रिफ्लेक्शन होती हैं। तो कुल मिला के जो है इस ग्रुप में भी 8 एलिमेंट्स हैं। अब आप ध्यान दोगे कि जो R2 है इसका जो ऑर्डर है वो 2 है, तो रोटेशनल में एक एलिमेंट ऐसा मिलेगा हमें से जिसका ऑर्डर 2 है। और जो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं, मैं आपको बता चुका हूँ उस लेक्चर में कि रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज का ऑर्डर हमेशा 2 होता है, तो ये चारों रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं इनका ऑर्डर भी कितना है, 2 है। तो कुल मिला के जो ये हमारा डीहेड्रल ग्रुप है 8 ऑर्डर का, ये भी हमारे पास के नॉन साइक्लिक है। और एक और ग्रुप हम लोग जनरेट कर सकते हैं 8 ऑर्डर का, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जानते हैं उसको, जिसे हम लोग कहते हैं क्वार्टरनियन ग्रुप। तो इसमें जो है 8 एलिमेंट्स आप लोग ऐसे डिफाइन किया करते थे, क्यू से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है ±1, ±i, ±j और ±k। तो इसमें भी एक एलिमेंट है जिसका ऑर्डर 2 है वो है हमारा 1, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी क्या है, नॉन साइक्लिक है।
आप लोग देख रहे हैं इस तरीके से जो हम लोग 8 ऑर्डर के जो हैं 5 ग्रुप बना सकते हैं, जिनमें हमारे पास 3 एबिलियन हैं और 2 जो हैं नॉन एबिलियन हैं। सो दिस इज़ हाउ वी प्रोड्यूस द ग्रुप्स बाय यूजिंग द डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ग्रुप्स। सो नाउ अब हम लोग ऐसा करते हैं, कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट से जो रिलेटेड हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर हमारे पास सारे ग्रुप एबिलियन हैं तो उनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो भी हमेशा एबिलियन होगा। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन ग्रुप इज एबिलियन ग्रुप्स का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, एबिलियन होगा। दूसरा हम लोग यहां से बना सकते हैं कि अगर एक एबिलियन है और दूसरा नॉन एबिलियन होगा तब क्या होगा। सो डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ एबिलियन एंड नॉन एबिलियन ग्रुप, तो एबिलियन और नॉन एबिलियन ग्रुप का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होगा, वो नॉन एबिलियन होता है हमेशा। एग्जांपल के लिए जैसे हमारे पास Z2 क्रॉस D3 है, तो Z2 तो हमारे पास एबिलियन है लेकिन D3 हमारे पास नॉन एबिलियन है, तो इनका जो डायरेक्ट प्रोडक्ट होगा वो भी क्या होता है, नॉन एबिलियन होता है। अब हम लोग आते हैं तीसरी प्रॉपर्टी पर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा पहले डेफिनेशन आपको एक समझाता हूँ कि जैसे m और n दो इंटीजर हैं, आर टू इंटीजर्स, तो m पैरेंथेसिस में अगर हम इनको लिख रहे हैं या फिर हम इनको जो है बिग ब्रैकेट में लिख रहे हैं, तो जब हम इनको पैरेंथेसिस में लिखते हैं तो उसका मतलब होता है GCD मतलब कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, जिसको आप लोग SF भी कहते हैं। तो वेन एवर आई राइट MN इन पैरेंथेसिस इट मीन्स इट रिप्रेजेंट GCD और SCF, हाइस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ m एंड n, और जब मैं इसको बिग ब्रैकेट में लिखता हूँ तो इसका मतलब होता है LCM ऑफ m एंड n। तो जिन लोगों को नहीं पता है ये रिप्रेजेंटेशन तो पहले मैं उनको ये बता देता हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, ये रिप्रेजेंटेशन अगर आपको समझ आ गया तो एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर हमारे पास 1,1 जो कि बिलोंग करते हैं ZM और ZN के डायरेक्ट प्रोडक्ट में, तो इसका ऑर्डर कितना होगा, तो ऑर्डर ऑफ या हम लोग कह देते हैं देन ऑर्डर ऑफ 1,1 इज LCM ऑफ m, n। m और n का जो LCM होगा वही 1,1 का ऑर्डर हो जाएगा डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ ZM विद ZN में। तो ये दोनों के दोनों हमारे पास ग्रुप थे, इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट हमने लिया और 1,1 उसमें एक एलिमेंट है। तो यहाँ से आपको आइडिया लग गया होगा, देखो मैंने अभी जो टॉपिक थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था उसमें मैंने कहा था कि कौन सा साइक्लिक है कौन सा नहीं है, तो इस वजह से जो है, तो जो आप देखोगे जहाँ जहाँ LCM जो है ग्रुप के ऑर्डर के इक्वल नहीं हो रहा था वहाँ पर वो साइक्लिक नहीं बन रहे थे। अब हम लोग ऐसा करते हैं, इस टॉपिक के बेस कुछ एग्जांपल मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। जैसे सपोज हमसे पूछा हुआ है, पहला एग्जांपल या पहला क्वेश्चन हम लेते हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ 1,1 इन Z5 क्रॉस Z6 एंड देन Z4 क्रॉस Z6। इन दोनों डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप में हमें 1,1 का ऑर्डर पता करना है। तो मैंने अभी बताया कि 1,1 का जो ऑर्डर होगा वो m और n का क्या हो जाएगा, LCM हो जाएगा। तो सिंपली जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो Z5 और Z6 का जो डायरेक्ट प्रोडक्ट है उसमें तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, LCM ऑफ 5 एंड 6। तो 5 और 6 का LCM कितना हो जाएगा, 30। तो 1,1 का ऑर्डर उसमें क्या आ जाएगा, 30 हो जाएगा। एंड सेकेंडली अगर हम बात करें Z4 क्रॉस Z6 में, तो क्योंकि 4 और 6 का LCM आपको पता है 12 होता है, तो इसमें जो है 1,1 का ऑर्डर 12 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ से एक बात पता लग गई हमें, आप इसमें नोटिस कीजिए कि जो Z5 क्रॉस Z6 है इसका ऑर्डर खुद कितने हैं, इसका ऑर्डर अगर आप देखें इस डायरेक्ट ग्रुप का, इसका 30 जो है ऑर्डर है, और 1,1 का भी जो ऑर्डर है इस ग्रुप में वो भी 30 है, तो ये साइक्लिक बन जाएगा। और अगर आप बात करें इस Z4 Z6 की, तो इस डायरेक्ट ग्रुप का जो ऑर्डर है वो 24 है, 4 6 24, लेकिन जो इसमें एलिमेंट है 1,1 उसका ऑर्डर आ रहा है 12, तो ये नॉन साइक्लिक है।
तो अब यहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस टाइप के ग्रुप में कौन साइक्लिक बनते हैं और कौन नॉन साइक्लिक बनते हैं। तो यहाँ से एक कॉरलरी हम लोग इवॉल्व कर सकते हैं। कॉरलरी क्या बन जाएगी हमारी, देखो हम लोग कहेंगे कि ऑर्डर ऑफ, या सिंपली हम ये लिखते हैं, ZM क्रॉस ZN इज साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर M इंटू N इफ एंड ओनली इफ, बोथ वेज कंडीशन है ये, जो है 1-1 का जो ऑर्डर है इस सेट में, इस ग्रुप में, वो कितना हो जाए, इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाए। या हम ये कह सकते हैं इनका LCM इन दोनों का प्रोडक्ट हो, या हम ये भी कह सकते हैं कि इनका जो SCF है या GCD है वो 1 हो जाए। इफ एंड ओनली इफ GCD ऑफ M कॉमा N वो किसके इक्वल होगा, 1 के, और देन इनका जो LCM होगा वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल हो जाएगा। तो होप सो आपको ये वाली बात क्लियर हो गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये वाला। अब हम लोग एक दो एग्जांपल और लेते हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि साइक्लिक, दो साइक्लिक ग्रुप का जो प्रोडक्ट है, हो सकता है वो साइक्लिक हो और हो सकता है वो नॉन साइक्लिक हो। तो जैसे मैं यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लेता हूँ, एग्जांपल नंबर 2, हम कह रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप इस साइक्लिक। तो इसके लिए, इस पर्टिकुलर प्रीपोजिशन के लिए मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ, जैसे Z2 क्रॉस Z3 है। तो आप देखोगे इसमें किस टाइप के एलिमेंट आएंगे, पहले आप Z2 को रिप्रेजेंट कीजिए। Z2 हुआ करता था 0,1, Z3 हमारे पास हुआ करता है 0,1 and 2। तो इसके बाद जब हमने Z2 और Z3 को रिप्रेजेंट कर लिया, Z2 क्रॉस Z3 हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, 0,0, 0,1, 0,2, 1,0, 1,1 and 1,2, राइट। बस अब आपने क्या देखना है, 1-1 जो इसमें एलिमेंट है उसका ऑर्डर कैच कीजिए आप। सो ऑर्डर ऑफ 1,1 आप देखोगे वो होगा LCM ऑफ 2 and 3। सो 2 और 3 का LCM कितना हुआ, 6, और 2 and 3 हैज LCM 6, एंड द ऑर्डर ऑफ दिस डायरेक्ट प्रोडक्ट ग्रुप Z2 क्रॉस Z3 इज ऑल्सो 6। दैट्स वाई ये जो ग्रुप हमारा प्रोड्यूस हुआ है ये भी क्या हो जाएगा, साइक्लिक हो जाएगा, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें मैं ये देखूंगा कि प्रोडक्ट ऑफ 2 साइक्लिक ग्रुप इज नॉन साइक्लिक। राइट, तो कैसे बनाएंगे वो ग्रुप, तो हम ऐसा करते हैं Z2 ले लेते हैं, Z2 क्रॉस Z2 आप देखेंगे, तो Z2 क्रॉस Z2 में एक चीज़ रिप्रेजेंट कीजिए आप लोग, तो जिसके जो इसके एलिमेंट्स होंगे वो किस टाइप से हो जाएंगे, 0,0, 0,1, 1,0 and 1,1, राइट। और इसमें अगर आप ऑर्डर ऑफ 1-1 देखें तो वो कितना हो जाएगा, LCM ऑफ 2-2 आप लेंगे, और 2 और 2 का LCM तो 2 हो जाएगा, एंड Z2 क्रॉस Z2 का जो ऑर्डर है वो कितना है, 4, क्योंकि इसमें 4 एलिमेंट है। सो नाउ ऑर्डर ऑफ 1-1 इज नॉट इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ Z2 क्रॉस Z2, इट मीन्स दिस इज नॉन साइक्लिक ग्रुप। सो दिस इज एन नॉन साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4। और अभी अगर आप देखोगे जो हमारे पास केलिन ग्रुप हुआ करता था, वो भी एक ग्रुप है जिसमें 4 एलिमेंट हैं, वो एबिलियन तो है बट नॉन साइक्लिक है। और ये भी हमारे पास एक ग्रुप हमने प्रोड्यूस कर दिया जिसमें 4 एलिमेंट है और जो साइक्लिक नहीं है, तो हम लोग ये कहते हैं कि जो Z2 क्रॉस Z2 है ये आइसोमॉर्फिक है केलिन ग्रुप K4 के, राइट। तो ये आपने नोट करने हैं कि जो 4 ऑर्डर का हमारे पास ये ग्रुप बना, ये K4 के आइसोमॉर्फिक है। ऐसे अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखें, इसमें 6 एलिमेंट थे और ये साइक्लिक था, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक हो जाएगा, Z2 क्रॉस Z3 विल बी आइसोमॉर्फिक टू Z6। क्यों, क्योंकि Z6 में आपके पास
6 एलिमेंट हैं और Z6 जो है साइक्लिक हमारे पास ग्रुप है। सो होप ये वाले भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ और प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी इज, इफ इस टाइप के एलिमेंट है, मैंने एक जनरल फॉर्म ले ली x1 x2 सो ऑन xn, वो बिलोंग कर रहे हैं g1 क्रॉस g2 क्रॉस सो ऑन gn में, इस डायरेक्ट पैरेलल n ग्रुप में बिलोंग कर रहे हैं, हैविंग इन विच xi टाइप का जो एलिमेंट है हैज ऑर्डर ri सपोज राइट, देन ऑर्डर ऑफ x1 x2 सो ऑन xn इज LCM ऑफ r1 r2 सो ऑन r, मतलब हर एक एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उन सब का जब आप LCM लेंगे तो इस पूरे n टप्पल का ऑर्डर आपको मिल जाएगा, वही इसका ऑर्डर होगा। अब इस पर बेस में एक एग्जांपल आपको बताता हूँ ताकि आपको ये इजीली समझ आ जाए। तो ये एग्जांपल है हमारा, या इसको हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 कहते हैं, फाइंड ऑर्डर ऑफ 2 4 4 इन Z4 क्रॉस Z12 क्रॉस Z6। इस डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ 3 ग्रुप में हमें इस 3 टप्पल टाइप के एलिमेंट का जो है ऑर्डर पता करना है। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल कंपोनेंट के जो है ऑर्डर पता करेंगे। तो आपको पता है कि 2 हैज ऑर्डर, देखो ये 2 कहाँ बिलोंग कर रहा था, Z4 में बिलोंग कर रहा था, तो 2 का ऑर्डर कितना होगा, 2 प्लस 2 4, तो 2 हैज ऑर्डर 2 इन Z4। 4 हैज ऑर्डर, चेक कीजिए कितना ऑर्डर है इसका, 12 में बात कर रहे हैं, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12, सो Z4 हैज ऑर्डर 3 इन Z12। और अगर हम बात करें अब ये जो 4 है, थर्ड जो कंपोनेंट है वो Z6 में है, तो 4 हैज ऑर्डर कितना हो जाएगा, 4 प्लस 4 8 प्लस 4 12 एंड 6 टू Z12, इट मींस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा Z6 में। तो आपने हर एक कंपोनेंट का इंडिविजुअली जो है ऑर्डर पता कर लिया है। सो नाउ ऑर्डर ऑफ 2 कॉमा 4 कॉमा 4 इन Z4 क्रॉस Z12 क्रॉस Z6, इसमें जो है इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा, इन सारे कंपोनेंट के ऑर्डर का LCM इस प्रॉपर्टी के हिसाब से, तो ये हो जाएगा LCM of 2 3 3 विच इज इक्वल्स टू 6। तो आपने देखा किस तरीके से आप जो है डायरेक्ट प्रोडक्ट में जो एलिमेंट है उनके ऑर्डर आप पता कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक भी एलिमेंट ऐसा मिल जाता है जिसका ऑर्डर डायरेक्ट प्रोडक्ट के ऑर्डर के इक्वल हो जाए, तो वो डायरेक्ट प्रोडक्ट हमेशा क्या बन जाएगा, साइक्लिक बन जाएगा, राइट। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये, होप आपको समझ आ गया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। बाकी लाइफ को एंजॉय करते रहिए आप लोग, मिलते हैं नए लेक्चर में, ओके।